Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aish Joshi and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 15th May, Friday, and we are going to discuss the Hindu's news articles. Okay, so आज के जो important news है उसमें first news आती है migrant workers to get free food grains. मैं आपको बता देती हूँ, निर्मला सीतारमन जी ने बहुत important announcements किए हैं कल, और वो सारे अनाउंसमेंट्स जो हैं वो रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं उन सारे सेक्टर्स से जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं. जैसे माइग्रेंट्स ले लीजिए, या जो हम कह सकते हैं स्मॉल स्केल वर्कर्स जो हैं वो उनको ले लीजिए, उनसे रिलेटेड. बिकॉज उनका जो लास्ट जो कल के अनाउंसमेंट से पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें उन्होंने MSMEs और अन्य क्षेत्रों की बात कही थी, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने वर्कर्स या माइग्रेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई कैटेगरी जो है डिफ़ाइन नहीं की थी. तो उसी को क्लैरिफाई करने के लिए, उसी के डिमांड पर उन्होंने कल ये इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस दिए हैं. जैसे 3,500 crores ऑफ सेकेंड ट्रेंच stimulus to be spent on allocation to those without ration card. कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि BPL APL की कैटेगरी में नहीं आते हैं. तो उनकी कैटेगरी में नहीं आने वाले लोगों को, BPL कार्ड्स होल्डर की कैटेगरी में ना आने वाले लोगों के लिए, इवन और भी अन्य लोगों के लिए जिन जो राशन कार्ड होल्ड नहीं करते हैं, उनके लिए काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं. स्पेशली राशन कार्ड के बिना जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए 3,500 crore का पैकेज जो है अनाउंस किया गया है. इसके तहत मोर फॉर माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स के लिए कुछ स्पेशल वर्क किया गया है. जैसे क्लोज टू 8 करोड़ माइग्रेंट्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कवर नहीं किया गया था, या जो नहीं होते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, एज आई टोल्ड यू, जो BPL में या PDS के अंदर नहीं कंडक्ट होते हैं, उन लोगों के लिए 5 kg ऑफ ग्रेन पर पर्सन एंड 1 kg ऑफ चना पर फैमिली, ये जो है पर मंथ के लिए ये अनाउंस किया गया. हर फैमिली को इतना जो है 5 kg ग्रेन्स एंड 1 kg चना जो है वो नेक्स्ट 2 months के लिए दिया जाएगा. अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस प्लान्ड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ इम्पॉर्टेंट रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस का अरेंजमेंट भी किया गया है, उस पर प्लानिंग भी की गई है, प्लानिंग को लेकर जो है शेयर किया है उन्होंने अपने व्यूज़. इंटरेस्ट सबवेंशंस वर्थ 1,500 crore अनाउंस फॉर मुद्रा शिशु लोन्स ऑफ अप टू 50,000. शिशु लोन्स अप टू 50,000 तक का मुद्रा शिशु लोन के तहत जो है लोन्स अनाउंस किए गए हैं, और 1,500 crores जो हैं वो कवर किए जाएंगे इस स्कीम के तहत. वन नेशन वन राशन कार्ड के प्रोसेस को यूज़ लिया जाएगा. PDS एक्सेस ऑफ PDS को एक्सेस करने के लिए पूरी कंट्री में वन नेशन वन राशन कार्ड का जो प्रावधान रखा जाएगा. 100% नेशनल कवरेज एक्सपेक्टेड बाय मार्च 2021. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च 2021 तक 100% जो है नेशंस को, मतलब हमारे जितने भी नेशन में रहने वाले लोग हैं उनको कवर कर लिया जाएगा इस स्कीम के तहत. Funds worth 6,000 crores to be used for boosting employment for Adivasis and Tribals. Adivasis और Tribal area के जो लोग हैं उनके अंदर employment को boost करने के लिए 6,000 crore का fund जो है announce किया गया है. एंड स्कीम जो है, एक स्कीम ऑर्गेनाइज की गई है जिसके तहत 5,000 crore रुपीज़ से फैसिलिटेट किया जाएगा. And it is to facilitate easy access to credit the street vendors. जो street vendors है उनका, उनको easy access करने के लिए 5,000 crore rupees का announcement किया गया है. Okay, 63 lakh agricultural loans announce किए गए हैं. Agricultural loans के लिए 53 lakh rupees announce किए गए हैं. उसी के साथ में 86,600 crore जो है approve किए गए हैं अप्रैल 30th के बीच में. ओके, कंसेशनल क्रेडिट दिया जाएगा 2.5 crore अंडर PM किसान योजना. ओके, बेनिफिशियरी वर्थ
₹2 लाख करोड़, उसके तहत 2 लाख करोड़ के जो है बेनिफिट्स दिए जाएंगे। एंड सेंटर हैज़ रिलीज 11,000 करोड़ टू स्टेट्स ऑन April 3rd टू ऑगमेंट फंड्स इन देयर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड फॉर सेटिंग अप शेल्टर्स फॉर माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स के लिए शेल्टर सेटअप करने के लिए स्टेट डिजास्टर फंड जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत कुछ फंड्स दिए गए हैं, उसका जो अमाउंट रिलीज किया गया है वो 11,000 करोड़ रहेगा। ओके, एंड 14.62 करोड़ पर्सन डेज फॉर वर्क जनरेटेड अंडर मनरेगा एज ऑफ 13th मई से ही जो है 13 मई को जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके तहत मनरेगा के तहत लोगों को कार्य दिया जाएगा और हर इंसान को पर डे जो वेजेस के बेसिस पर कार्य दिया जाता है मनरेगा में, एंड 14.62 करोड़ रुपीज़ का अनाउंसमेंट किया गया है। सो इट वॉज ऑल अबाउट वॉट दिस निर्मला सीतारमन और स्टेट has announced about the yesterday's data. Okay, ये सारा जो data था ये कल क्या organize किया गया है, कल निर्मला सीतारमन जी ने क्या announcements किए हैं उसके तहत का सारा data था जो important data हमने discuss किया। But still I want to say you that you should go for all these things, आप search कीजिए, आप और भी आपको बहुत अच्छा data available होगा। Even मैं भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आई विल प्रोवाइड यू द प्रॉपर एंड परफेक्ट डेटा, इवन इस पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव आईएएस जो है उस पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो भी अनाउंसमेंट जो है फिनेंशियल अनाउंसमेंट्स जितने भी इकोनॉमिक अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर आपको डेटा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इवन आई एम प्रिपेयरिंग नोट्स जो कि आपके प्रीलिम्स के बेसिस पर भी, इवन मेंस के बेसिस पर भी कुछ डेटास जो है यूज़ करने के लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, सो यू शुड विजिट आर चैनल, टेलीग्राम चैनल दैट इज़ अचीव आईएएस। द नेक्स्ट वन इज़ डबलिंग टाइम स्लोज टू 13.9 डेज। जो टाइम है डबलिंग टाइम स्लोज टू 13.9 डेज, किस चीज़ का है ये COVID-19 के केसेस से रिलेटेड है, उसके अंदर बात की गई है। देखिए दिन ब दिन केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, कभी कोई केसेस स्लो डाउन हो रहे हैं किसी स्टेट में, कभी वो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो रेगुलरली हम कह सकते हैं केसेस में कोई भी जो है कमी नहीं हो रही है और कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि हम आप देख सकते हैं डेटा के अकॉर्डिंग 82,000 प्लस हो चुके हैं और इसी स्पीड से चलते रहे तो कोई टाइम नहीं लगेगा हमें कुछ ही दिनों में लैक क्रॉस करने में। तो वी शुड बी अवेयर, वी शुड स्टे एट होम, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो भी गई है जो कि गवर्नमेंट को करना कंपलसरी हो गया था, और क्योंकि कोरोना वायरस इज अ वायरस जिसे एक ही रात में आई टोल्ड यू दैट ओवरनाइट जो है हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है ये, तो उसके लिए हमें कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करनी होगी बिकॉज उसे स्टॉप करके, देश को स्टॉप करके हम नहीं चल सकते। इतना फंड अवेलेबल नहीं होता है सरकार के पास भी, इवन हर इंडिविजुअल के पास भी इतने फंड अवेलेबल नहीं होते कि वो इतने दिन तक अपने खर्चों का वहन कर सके। तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम सरकार को सपोर्ट करते हुए और अपने कार्यों को, अपने ही जीवन को सपोर्ट करते हुए, खुद के लाइफ को सपोर्ट करते हुए, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने। ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ 15 माइग्रेंट वर्कर्स डाई एंड इन यूपी एमपी रोड एक्सीडेंट। यूपी एमपी के अंदर रोड एक्सीडेंट हुआ जिसके तहत 15 माइग्रेंट वर्कर्स अब तक मर चुके हैं। मैं आपको बता देती हूँ, पहले भी ऐसा ही एक एक्सीडेंट जो है हमें देखने को मिला था जो रेलवे ट्रैक पर हुआ था, वो भी एक अपने आप में हम कह सकते हैं दिल दहला देने वाला था। तो इस तरीके से प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल दोज माइग्रेंट्स एंड वर्कर्स, प्लीज़ डोंट टेक सच टाइप ऑफ स्टेप्स दैट कैन हर्ट यू एंड दैट कैन टेक योर लाइफ इवन। मैं कोशिश कर रही, सरकार कोशिश कर रही है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सरकार की सारी न्यूज़ पहुँचाती रहूँ। ये हमारी बिल्कुल एक होनी चाहिए अलर्टनेस कि हमें अपनी ही लाइफ को लेके सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ बिकॉज योर लाइफ इज़ एज मच प्रेशियस एज योर फैमिलीज लाइफ, एंड एवरी वंस लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी वंस कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्सेस नेशन।
So for this, we have to be aware, we have to be alert, we have to be concerned about our family and our lives. Okay. सो डोंट टेक दीज टाइप ऑफ स्टेप्स एट ऑल जो कि आपको हर्ट करे किसी भी लेवल पे. सरकार फेरी ट्रेन्स चला रही है जिसके थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं अपने एरियाज़ में, अपने गांव में, अपने सिटीज़ में, तो यू कैन गो थ्रू दीज ट्रेन्स. इसके अलावा और भी जो है कई सारी सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया करवाई जा रही है, आप उसे भी फॉलो कीजिए. बिकॉज कहीं अभी एट प्रेजेंट ऐसा कोई भी स्टेप ना लीजिए जिससे कि आपको अपनी ही जान गंवानी पड़े, और उसी के तहत सरकार जो है कोई स्टेप ना उठा सके. लाइक इस तरह के जो आप ये जो चीज़ें हो रही हैं, देखिए फिनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट दे देगी आपको, लेकिन आपकी फैमिली के अंदर जो आपकी एब्सेंस हो जाएगी उसे गवर्नमेंट या और कोई फुलफिल नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई जस्ट थिंक अबाउट योर फैमिलीज एंड गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स. अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल अपनी फैमिलीज़ को लेकर कंसर्न हैं और आगे भी कंसर्न होते हुए ऐसे भी कोई स्टेप नहीं उठाएंगे जो किसी भी तरीके से आपको ऐसी घटनाओं से अवगत करवाए. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की, दैट इज़ विथ नो ऑनवर्ड फैसिलिटी सेवरल लेफ्ट स्ट्रैंडेड एट न्यू दिल्ली स्टेशन. देखिए ये इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट न्यूज़, बट हाँ ये है कि ऐसी कई सारी लोकल न्यूज़ जो है वो आपके एरिया में, अगर आप इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली एंड यू नीड टू गो थ्रू दिस, तो आप इन सारी न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं. बिकॉज ये सारी न्यूज़ लोकल एरिया लोकल जो है उस लेवल पर कही जाती है. देखिए हम बात करेंगे, ये देखिए नेक्स्ट जो है, केरला प्रिपेयर्स फॉर राइज इन केसेस, 3 डाई इन कर्नाटका. केरला जो है उसमें प्रिपेयर किया जा रहा है, केसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, और 3 जो है अब तक डेथ हो चुकी है कर्नाटका में. तो इस बेसिस पर ये केरला सरकार काफ़ी सारे ऐसे जो है कदम उठा रही है जिससे कि वहाँ ऐसी सिचुएशंस ना क्रिएट हो. और नेक्स्ट न्यूज़ है, सिचुएशन इन LG प्लांट अंडर कंट्रोल. ओके, तो आपको बता देती हूँ, LG प्लांट से जो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला था कि गैस लीक हुई थी, और गैस लीकेज के कारण बहुत सारा लॉस जो है उस एरिया में देखने को मिला था. उस एरिया के तहत काफ़ी सारा जो है लोगों को फिज़िकल जो है लॉसेस देखने पड़े थे, और उसके कारण काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था वो एरिया. तो उसी के चलते 13 और आई थिंक 12 डेथ भी हो चुकी थी, और उससे ज़्यादा कई लोग इससे इफ़ेक्टेड हैं अभी भी. तो अब जो है गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग वो सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है. ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वन ऑफ द पुअर. ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल है पुअर्स, या हम कह सकते हैं वर्कर्स के लिए, है ना. जो मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ने, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट किया है कि वो वर्कर्स को जो है फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाए जाएंगे जी, और उसी के साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ भी देने का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट द्वारा किया गया. तो बस उसी पर ये आर्टिकल लिखा गया है कि फूड ग्रेन्स जो है वो इमीडिएट रिलीफ तो दे देंगे, लेकिन हमारी ज़रूरत है कि हम वर्कर्स के लिए और भी कुछ फैसिलिटीज़ जो है उन्हें प्रोवाइड करवाएं, या उससे ज़्यादा और भी कुछ नीड्स हैं वर्कर्स की तो उन्हें फुलफ़िल करें. मोर देन 50 डेज सिंस अ नेशन वाइड लॉकडाउन, करीब 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं पूरे नेशन में लॉकडाउन को बाय द यूनियन गवर्नमेंट, एंड इट इज़ क्लियर दैट what was done as a public health measure to protect people from the COVID-19 threat was snowballed into a major economic crisis for the urban poor in general and migrant laborers in particular. देखिए काफ़ी सारे, चाहे आप अर्बन एरिया ले लीजिए, रूरल एरिया ले लीजिए, बहुत सारे लोगों को लॉसेस गेन करने पड़े हैं इन जो 50 डेज से ज़्यादा का जो ये दौर जो लॉकडाउन का हमने बिताया, इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस भी सामने आए हैं. लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड एरिया देखने को मिला वो माइग्रेंट लेबर्स का हुआ, है ना. The travels of migrant workers have been well documented with loss of livelihoods. They have been pushed into penury in their places of works. And with the lockdown initially preventing interstate travel, many have embarked and endows
journey to their native places to get some support at a time of acute distress. देखिए बहुत लोगों ने जो है जर्नी नहीं कर पाए, वो तो उन्हें उन्हीं स्टेट्स में रहकर उन्हीं जगहों पर रहकर काफ़ी सामना करना पड़ा मुसीबतों का, जहाँ पे वो ऑलरेडी थे, जहाँ वो जो उनके वर्क प्लेस हैं, हम कह सकते हैं वो सिटीज़ जहाँ वो ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, लेबर एज अ लेबर वर्क कर रहे थे वेजेस बेसिस पर, तो उन्हें वहीं पर जो है काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा. इनसे जो है इंटर स्टेट अगर हम उन्हें ट्रैवल अलाउंस दे देते तो इस COVID-19 का और भी ज़्यादा बढ़ने और फैलने का खतरा था, तो उससे रोकने के लिए काफ़ी सारे जो है मेजरमेंट्स हमें इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉलो करने पड़े, जिसके तहत लोगों को काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस भी फेस आउट करने पड़े. इन द सेकेंड ऑफ द सीरीज़ ऑफ मेजर देयर आर, अब उसी सीरीज़ में देखिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सरकार द्वारा पहले किए गए थे इन वर्कर्स को अपने सुनिश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए, सुनिश्चित क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए थे. काफ़ी जो है इनके इनके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट किए गए थे, चाहे वो आप इकोनॉमिकली ले लीजिए या अन्य किसी भी तौर पर ले लीजिए, लाइक फेरी ट्रेन और समथिंग लाइक दैट. बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए थे और काफ़ी स्कीम्स भी लॉन्च की गई थी. उसी हम कड़ी में कह सकते हैं 20 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज भी अनाउंस किया गया है. उसी में निर्मला सीतारमण जी ने कोशिश की है कि वो मैक्सिमम लेवल पर जो है वर्कर्स को, या वो सेक्शन जो नीडी है, जिसे नीड की ज़रूरत है, उन सबको उन्होंने अपने इस एरिया में कवर किया है. उन्होंने कोशिश की है कि वो इन सब एरियाज़ को कवर करें अपार्ट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स. ओके, she has recognized that migrant workers have taken to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in a major way after the center gave explicit instructions to reopen the scheme. अब जैसा कि एक डिसीज़न लिया गया था अभी कुछ दिन पहले, जब सेंटर द्वारा और अनाउंसमेंट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसके तहत ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था कि 20th अप्रैल के बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी उसमें मनरेगा को भी शुरू कर दिया जाएगा, है ना. तो ये जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ये जो डेली बेसिस पर वेजेस प्रोवाइड करवाने की जो स्कीम है, उसके तहत सरकार की ये मंशा है, सरकार की ये इच्छा है कि इस स्कीम के तहत हम मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि उनको इनकम हो सके, है ना. और उसी, देखिए ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत अच्छा स्कीम है, जिसके तहत सरकार द्वारा बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जा सकता है. ऐसे बहुत से लोग हैं जो एट प्रेजेंट अभी जो है अपने घर पहुँचे हैं या अपने होम टाउन्स में या विलेजेस में पहुँचे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो वहीं पर रहकर और इस स्कीम के तहत काफ़ी सारे वर्क कर सकते, क्योंकि ये स्कीम हर छोटे बड़े क्षेत्र में कार्य कर रही है. तो उन लोगों के लिए एक बहुत प्लस एरिया है ये, जहाँ पर वो डेली बेसिस पर कार्य कर सकते हैं. 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाता है और डेली वेजेस के आधार पर इन्हें कार्य दिया जाता है. तो उसी के तहत सरकार द्वारा इस स्कीम को स्टार्ट करना अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम था, और ये कदम जो है सरकार कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स या माइग्रेंट वर्कर्स जिसे हम कह सकते हैं लेबर्स है, या छोटे क्षेत्र के लोग हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा वर्क है कि वो अन्य क्षेत्रों में जहाँ कार्य नहीं कर सकते, इस स्कीम के तहत वो काफ़ी सारे जो है उनको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे या काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, है ना. तो इस फैसिलिटीज़ के तहत सरकार ने ये एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बाद. इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के साथ ही सरकार मैक्सिमम लेवल पे लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाने की फैसिलिटी को भी आगे बढ़ा रही है. ओके, द अ वेवर और एटलीस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द 100-day लिमिट पर हाउसहोल्ड टू वुड हैव हेल्प्ड. इट इज़ नाउ अप टू द स्टेट टू इंश्योर द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. देखिए सरकार, केंद्र सरकार द्वारा ये मनरेगा को लागू करने की योजना जो है बना दी गई है. ऐसे अनाउंसमेंट भी कर दिए गए हैं कि मनरेगा शुरू किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके तहत रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाएगा. ये सारे अनाउंसमेंट सरकार द्वारा कर दिए गए हैं, लेकिन अब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट्स पे, क्योंकि अब आगे इम्प्लीमेंट करना प्रॉपरली इसे, पर ये सुनिश्चित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्लस जो है प्लस पॉइंट मिल रहा है या नहीं, या और अंदर जो घपलेबाजी चलती है वो ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो,
इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य राज्य सरकारों का है कि वो किस तरीके से इस स्कीम को लॉन्च करती है और किस तरीके से इस स्कीम को आगे बढ़ाती है। जो वर्कर्स अभी भी उन जगहों पर है जहाँ वो वर्क करते हैं, अपने होम टाउन को नहीं पहुँच पाए हैं और जिन्हें कोई बेनिफिट भी नहीं मिला है नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम या स्टेट स्कीम के तहत, उसके अंदर भी जो है फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंस किया है, इवन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि उन्हें भी 5 kg जो है फूड ग्रेन्स और उसी के साथ में 1 kg चना पर फैमिली प्रोवाइड करवाया जाएगा नेक्स्ट 2 months के लिए। ओके, दिस विल ब्रिंग द नंबर ऑफ पीपल रिसीविंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स क्लोज टू द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इससे क्या होगा, जो लोग लीगल रिक्वायरमेंट जिनको है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिन्हें नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था प्रॉपर जो है जो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी, करीब 67% ऑफ पॉपुलेशन ऐसा था जिन्हें इन स्कीम्स के तहत प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी लीगल प्रोविजन्स के तहत, उनको इस स्कीम से, इस अनाउंसमेंट से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सो हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत इंक्लूड नहीं होते हैं और जो अपने जॉब्स और लाइवलीहुड खो चुके हैं, उनके लिए भी ये स्कीम या ये जो अनाउंसमेंट है काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल होगा। और उन्हीं के लिए जो लोग अपनी जॉब्स खो चुके हैं, पीडीएस में नहीं आते हैं, उन्हीं के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम भी अनाउंस की गई है, ऑर्गेनाइज की गई है, जिसे मार्च 2021 तक इम्प्लीमेंट भी कर देना था, उसे भी इमिजिएटली जो है कार्य प्रगति में लाया जाएगा। उसी के तहत इस बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं स्टेट्स लाइक तमिलनाडु where PDS is near universal are yet to be addressed. Many of the announcement including one for small farmers are a combination of liquidity and credit easing measures or the extension of existing schemes. As things stand, they fall short on the substantive fiscal measures that could stimulate demand in the economy. After all, that seemed to be crux of the Prime Minister's promise of spending 20 lakh crores. देखिए ये सारी जो schemes जो organize की गई है, जो ये जो सारे arrangement किए जा रहे हैं PDS के तहत या वन नेशन वन राशन के तहत या अन्य जो भी स्कीम्स, जैसे ये फूड ग्रीन्स वाला पॉसिबिलिटी दी गई है, इसके अलावा जो मनरेगा के तहत कार्य दिया गया है, देखिए सरकार ने बहुत सारे हमसे प्रोमिसेस किए हैं। सरकार की ये प्रॉमिस है कि वो 20 लाख करोड़ स्पेंड करेगी इन इन क्षेत्र के लोगों की तरफ जो अपने ही क्षेत्र में काफ़ी कुछ करने को जो है उद्यत है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हम कह सकते हैं कि इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे कि ये कुछ कर सकें या इनके पास वो उपलब्ध साधन नहीं है जिसके आधार पर ये कुछ कर सके, और इकोनॉमिक क्राइसिस और लाइवलीहुड भी, इवन इनके पास में इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करते हुए लाइवलीहुड भी नहीं है, जॉब्स भी नहीं है, तो उनके लिए ऐसी सारी स्कीम्स ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव थिंग है। और मैं उम्मीद करती हूँ, इवन हम सभी उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इन वर्कर्स को इवन मैक्सिमम लेवल ऑफ जो है पॉपुलेशन को मैक्सिमम लेवल ऑफ पर्सन को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो पाए और उन्हें इन सारी जो प्रॉब्लम्स को वो अभी फेस कर रहे हैं उन सबसे बाहर आने में ये स्कीम्स और ये बजट हेल्प कर सकें। और ये भी एक फैक्ट है जो कि लॉकडाउन सिंड्रोम इस आर्टिकल में दिया गया है कि काफ़ी सारी, देखिए हम लोग जो है इकोनॉमिक लेवल पे अगर हम बात करें, जीडीपी लेवल पे बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, तो हम बहुत लो जा चुके हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम इंस्टेंटली बहुत जल्दी इससे ओवरकम भी कर सकते हैं यदि हम एक बहुत प्रॉपर स्ट्रेटजी या अच्छी पॉलिसीज़ को अपनाते हुए, जितना पॉसिबल हो सके उतनी ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ को अपनाते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। बिकॉज हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन में रह रहे हैं, अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन अगर बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हेल्प करती है या बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अपना हाथ बढ़ाती है आगे, तो वो एक बहुत बड़ा एरिया जनरेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। और यदि ऐसा होता है तो पॉसिबली वी विल ओवरकम एज सून एज पॉसिबल। सो इट इज़ आर ड्यूटी टू गो टूवर्ड्स इट। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी और एकजुट होकर यदि हम इकोनॉमी को ऊपर लेकर आते हैं तो हम डेफिनेटली देश की इकोनॉमी बहुत जल्दी एक हायर लेवल पे रहेगी और अपनी टॉप जो है सिक्योरिटी गेन करेगी।
ओके. द नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टेट्स कैन नॉट बी लेफ्ट टू द सेंटर्स मर्जी. देखिए सेंटर ने बहुत सारे, ये आर्टिकल बताता है कि सेंटर ने बहुत सारे जो है ऐसे अनाउंसमेंट किए हैं जिससे कि आम जन को बहुत सारी पॉसिबल जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकें. और वही इस आर्टिकल में शो किया गया है कि स्टेट्स को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए. ऐसी सारी ये जो सेंटर जितने भी जो फैसिलिटीज़ दे रहा है, जितना सब कुछ कर रहा है, तो स्टेट की ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको फुलफ़िल करे. लेकिन देखिए कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें स्टेट्स जो है अपने आप को सूटेबल नहीं मानता. उसमें सेंटर को भी ये समझना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है उस चीज़ में, या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस लैक कर रहे हैं. जैसे रिसेंटली एक डिसीज़न था लिकर शॉप्स को ओपन करने का. काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने मतलब लिटरली ये अनाउंस कर दिया कि हम लोग ऐसा लिकर शॉप्स को ओपन करने का कार्य नहीं करेंगे. उसके पीछे कई सारे रीजंस देखे गए हैं. लिकर्स जो है वो बहुत एक अच्छा जो है कैटेगरी में नहीं किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता. इवन कई सारे स्टेट्स ने तो बैन भी कर रखा है लिकर्स को. तो लिकर शॉप्स ओपन करना मतलब मैक्सिमम लेवल पर लोगों की गैदरिंग को ऑर्गेनाइज करना है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग बहुत ज़्यादा लिकर्स को के एडिक्ट हैं तो वो लोग डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे लिकर शॉप्स पर जाएंगे और उन वहाँ पर गैदरिंग करेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है या उसका जो हम कह सकते हैं कि जो एक गाइडलाइन है उसको तोड़ते हुए डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे और क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लेवल पे COVID-19 स्प्रेड होने की संभावना क्रिएट होती है. इवन जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात करें तो स्ट्रिक्टली दे सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू रीओपन दी सर्विसेज बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट आर लोकल पीपल और आर वी कैन से आर लोकल्स, जिस जो कि हमें पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का उल्लंघन होगा इस क्षेत्र में. इवन इट इज़ नॉट अ गुड स्टेप टू टेक अप आर इकोनॉमी अपवर्ड्स बिकॉज इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हो सकती है जहाँ पे हम कार्य करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट वे टू रिबूट आर इकोनॉमी. ओके, तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में कही गई है कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने लिकर शॉप की ओपनिंग का ये जो प्रस्ताव है केंद्र सरकार का, ये जो डिसीज़न है इसको अपोज किया है. और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जिनको केंद्र सरकार ने लागू किया है लेकिन राज्य सरकार उसे सपोर्ट नहीं कर रही या ओपन करने में अपने आप को सूटेबल नहीं समझती है ना ओपन करने के लिए. तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समझना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट किस लेवल पे और कैसे क्षेत्र में कार्यरत करके आगे बढ़ सकती है और कैसे इकोनॉमी को अपहोल्ड करने के लिए हमें अदर एक्टिविटीज़ को भी जो है आगे बढ़ाना होगा. ओके, और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये समझना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस को अगर हम एकदम हम कहते हैं कि कॉपरेट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी विल गो थ्रू द हाइएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक रीबूट और वी कैन से द री ओपनिंग ऑफ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विल डेफिनेटली बूस्ट अप आर नेशन. ओके, सो ये सारे आर्टिकल्स हैं. यू शुड गो फॉर दीज आर्टिकल्स. मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम लेवल पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर लूँ. एंड इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसा कोई टॉपिक ना छोड़ूँ. मैंने देखिए जो आर्टिकल्स आपको अभी लास्ट में मैंने डिस्कस किए हैं, लॉकडाउन सिंड्रोम एंड स्टेट्स कैन नॉट बी लेफ्ट टू दी सेंटर्स मर्सी, ये दोनों मैंने आपको मैक्सिमम लेवल पे समझाए हैं और कोशिश की है कि आपको मैं पॉइंट्स तक लेकर जाऊँ जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इन दोनों आर्टिकल्स में. अब आप लोग खुद इन्हें रीड आउट करेंगे जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी. ओके, और जिन्हें जैसे कि लास्ट मेरे पास क्वेरीज आई थी ऐसी कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में इशू आ रहा है या व्हाटएवर कुछ भी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इशू आ रहा है तो उसी के लिए हम ये वर्क कर रहे हैं. मैं इसीलिए द हिंदू का हिंदी एनालिसिस ले रही हूँ जिससे कि मैक्सिमम लेवल पे जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, हिंदी मीडियम से है या और भी कई लोगों को न्यूज़पेपर रीडिंग में इशू आता है, मैक्सिमम लेवल पर लोगों को आता है, तो उनके लिए ये हिंदू एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिससे कि उन्हें अपने बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग में ना देने पड़े.
इवन बहुत इजीली उनको कॉन्सेप्ट तक ले जाने की कोशिश की जा रही है हमारे द्वारा. ओके, सो कोशिश कीजिए कि आप डेली लेवल, डेली बेसिस पर इन आर्टिकल्स को रीड करें, डेली बेसिस पर आर्टिकल्स से टच में रहें, इन सारे न्यूज़ वीडियोस से टच में रहिए, जिससे कि आपको सारा डेटा, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे. ओके, सो इसके अलावा कोई भी इशू क्रिएट होता है, आपको लगता है यू हैव सम क्वेरी, यू कैन ईजीली आस्क इट टू मी. ओके, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी. Thanks for being with me. Bye-bye. Take care. Have a great day.